दोस्तों, आप सभी का मेरी चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपसे इंटरनेट से होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में आपसे बात शेयर करूंगा। आज मोबाइल इंटरनेट दुनिया की सबसे बड़ी और आधुनिक खोज है, जिससे हमें दुनिया बहुत ही छोटी लगती है, जैसे कि दुनिया हमारी मुट्ठी में है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या दुनिया वाकई में हमारी मुट्ठी में है, या फिर हम इस इंटरनेट से खुद को ही भुला चुके हैं। हाँ, आप सोचते हैं कि ये क्या बोल रहा है। मान लो हम किसी स्मशान यात्रा पर जा रहे, किसी अपने की, फिर भी मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना भी नहीं करते ठीक से। वहाँ भी हम हमारी बिजनेस, जॉब या अन्य किसी मैसेज या अपडेट के बारे में सोचते रहते हैं। क्या ये गलत है? अपने आप से ही पूछे। आज नई नई खोज तो जरूर हुई है, लेकिन पीछे कुछ छूट जा रहा है, इसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं है। नए रिश्ते जो हमें काम भी नहीं आते, वो रिश्ते संभालने के चक्कर में हम पारिवारिक ध्यान खो चुके हैं। आज इतना बुरा हाल है रिश्तों का, रिश्तों की बात तो जाने दो। पहले तो हम अपने आप से भी बात कर लिया करते थे, अब तो सीधा ध्यान नेटवर्क पर ही चला जाता है। यानी लोगों के साथ समय बिताने के चक्कर में हम हमारी नींद और चैन भी खो चुके हैं, और हमारा ब्रेन भी वॉश हो चुका है। ये तो हो गई बात कुछ दुख भरी। अब इस खोज का फ़ायदा किस तरह उठाया जाए? जैसे कि मैंने पहले कहा कि इंटरनेट एक महत्वपूर्ण और आधुनिक खोज है, तो इसका हम सही इस्तेमाल कैसे करें? माफ़ करना दोस्तों, ये ऑडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो अपना ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पर फालतू खर्च कर देता है। मान लो अगर आपको कोई आज 1 लाख रुपये देता है, तो आप उसको किस तरह खर्च करोगे? बस हमारी सांसें भी कुछ ऐसी ही है, अगर वो सही तरह खर्च नहीं की तो वो भी पूरी हो जाएगी। यानी आप समझ गए होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? माफ़ करना दोस्तों, मैं कुछ पर्सनली चला गया। अगर हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के बारे में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ नॉलेज है। मान लो इंटरव्यू देना है तो जनरल नॉलेज कूट कूट के भरा पड़ा है। हम जिस कक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सारी जानकारी पहले से ही मौजूद है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र की हो, बिजनेस हो, नौकरी, स्टडी, संगीत, इलाज, अध्यात्म, व्यवस्था, यहाँ तक कि मानव जीवन क्यों मिला है, वो भी सब कुछ विस्तार से है। फिर भी हम ऐसे ही नॉर्मल जिए जा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास तो बहुत वक्त है ज़िंदगी के अंदर, आज मज़े कर लेते हैं ना। अगर मन में बर्निंग डिज़ायर है, तो इंसान इसी नेटवर्क का उपयोग करके अपनी ऊंचाइयां पा सकता है। अगर ज़्यादा बोलने जाऊंगा तो ये ऑडियो बहुत लंबी हो जाएगी। समझो, सिर्फ इंसान ही खोज कर सकता है, पशु नहीं, और हम इंसान हैं। इसलिए जो समय हम इंटरनेट पर फिजूल बिना कुछ सीखे जाने देते हैं, तो उतने ही वक्त में इसी इंटरनेट का सहारा लेकर बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। ये ऑडियो यहाँ मैं पूरी करता हूँ। बुरा लगे तो माफ़ करना, अच्छा लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आपका दोस्त विजय हमेशा अच्छी और सच्ची बात ही सामने लाएगा।